नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल वीआर एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, 11 नवंबर को बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। केतु नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। केतु का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश हो रहा है 11 नवंबर 2024 को, और ये 20 जुलाई तक इसी नक्षत्र में रहेंगे, 20 जुलाई 2025 तक। इसका आपकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए दर्शकों, केतु का नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में बहुत ही बड़े बदलावों को लेकर आ रहा है, तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, और इसका आपकी राशि पर क्या रिजल्ट होगा, इसकी विस्तार से हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब आते हैं हम हमारे विषय पर। देखिए दर्शकों, सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि केतु अभी हस्त नक्षत्र में चल रहे हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में, और ये 11 तारीख को आ जाएंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में। ये पीछे की ओर ट्रांजिट करते हैं, इसलिए नक्षत्रों में भी ये पीछे की ओर ही हमेशा चलते हैं। अभी देखिए, केतु का गोचर कन्या राशि में जारी है और ये यहाँ पर मई 2025 तक रहेंगे। मई में फिर वो पीछे की राशि सिंह में चले जाएंगे। अब देखिए सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा केतु के नक्षत्र परिवर्तन का, उसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों की। देखिए दर्शकों, आपकी राशि से केतु का गोचर सिक्स हाउस में हो रहा है। सिक्स हाउस में कन्या राशि में केतु गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर वो सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में प्रवेश करेंगे। तो देखिए, एक चीज तो अच्छी ये होगी कि सिक्स हाउस कंपटीशन को दिखाता है, तो आपके अंदर प्रतिस्पर्धा जागेगी, कुछ बड़ा करने के विचार आएंगे, नए आइडियाज आएंगे, आपके कार्य क्षेत्र पर अप्लाई करेंगे और उससे आपको लाभ भी होगा। यहाँ पर देखिए, थोड़ी भागदौड़ तो बढ़ेगी आपकी, परंतु उस भागदौड़ का रिजल्ट आपको पॉजिटिव वे में ही मिलेगा। अच्छा, आपके अंदर उत्साह देखा जाएगा, इस हिसाब से ये गोचर आपके लिए शुभ बन रहा है। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर यह भी स्थिति अच्छी है कि यहाँ पर अगर कोई कोर्ट केस में आप फंसे हैं, कोई कर्ज आप पर चढ़ा हुआ है, तो उससे बाहर निकलने के रास्ते मिलेंगे। इस मामले में ये गोचर आपके लिए अच्छा है। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर थोड़ी बहुत बीमारियों के हिसाब से सचेत रहना होगा। अगर आप पहले से बीमार हैं तो अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए। हड्डियों का दर्द, पेट में रोग, ये परेशान कर सकते हैं आपको। अगर आपको गुप्त रोग की शिकायत है तो भी समय पर अपना चेकअप करवाइए, ये दिक्कत बढ़ सकती है। तो हेल्थ के हिसाब से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। विद्यार्थियों के लिए ये समय काफी शुभ है। मेष राशि के विद्यार्थियों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता मिल सकती है, इस हिसाब से भी ये गोचर आपके लिए शुभ बन रहा है। तो इसका लाभ उठाइए, आपके लिए अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। अगर केतु आपकी कुंडली में पीड़ित है, आपके लिए स्थितियां खराब कर रहे हैं, तो केतु के उपाय जरूर करिए। स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करिए, गरीब लोगों को कंबल का दान करिए, इससे आपके लिए स्थितियां सुधरेगी। अब दर्शकों, बात करते हैं अगली राशि वृषभ की। देखिए दर्शकों, वृषभ राशि वालों के लिए देखा जाए तो केतु का गोचर होगा आपकी राशि से पंचम भाव में, कन्या राशि में। तो यहाँ पर देखिए, ये आपके लिए कुछ मामलों में अच्छा है, कहीं पर आपको सावधान भी रहना है। सबसे पहले तो ये आपके लिए कुछ नया सीखने के हिसाब से काफी अच्छा है। ज्ञान में वृद्धि होगी, कुछ नई क्रियोसिटी आपके अंदर जाएगी कुछ नया सीखने की। या तो आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, या फिर आप कोई ना कोई डिग्री लेना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, उस हिसाब से ये गोचर काफी अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, उस दिशा में आप कुछ कदम भी उठा सकते हैं, इस हिसाब से भी गोचर अच्छा है। इसके बाद संतान की तरक्की होगी, आपके संतान की कोई ना कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है इस समय में। इसके साथ ही आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा, प्रमोशन के अचानक योग बन रहे हैं, इस हिसाब से ये गोचर अच्छा है। जॉब में है तो आपके प्रमोशन के योग बन रहे हैं, वृषभ राशि वालों के लिए समय शुभ है। साथ ही यहाँ पर देखिए, जून जुलाई में स्थान परिवर्तन आपका होता हुआ दिख रहा है, जहां पर वो सिंह राशि में चले जाएंगे केतु, तो उस समय में हो सकता है कि आपका ट्रांसफर हो जाए जॉब में, ऐसी स्थिति बनेगी, तो उस चीज के लिए तैयार रहिए, पहले से प्रिपेयर रहिए। बिजनेसमैन लोगों के लिए भी ये गोचर अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि शनि का सपोर्ट आपके लिए बना हुआ है, तो व्यापार आपका अच्छा चलेगा, व्यापार में कोई परेशानी नहीं है। आपके लिए पेट के रोग थोड़े बहुत परेशान कर सकते हैं, तो खाने पीने का विशेष ध्यान रखना होगा। और केतु ज्यादा परेशान करते हैं, आपकी कुंडली में पीड़ित हैं, तो केतु के उपाय जरूर करिए। अब देखिए, बात करते हैं मिथुन राशि की। देखिए मिथुन वालों के लिए गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होगा, तो यहाँ पर चतुर्थ में गोचर होना और इस पर गुरु का भी प्रभाव है, गुरु की शुभ दृष्टि है, तो प्रॉपर्टी के योग बनेंगे। आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, घर गाड़ी लेना चाहते हैं, उस हिसाब से गोचर बहुत शुभ रहेगा आपके लिए, आपको अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर धार्मिक यात्राओं के अच्छे योग बन रहे हैं, तीर्थ यात्राओं पे आप जा सकते हैं, धार्मिक रुझान आपका बढ़ेगा, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, एक चीज का थोड़ा है ये कि मन में थोड़ा अननोन फियर रह सकता है, मन थोड़ा अशांत रह सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, तो घर परिवार में थोड़ा शांत रहिए। क्रोध अगर बढ़ता है तो गुस्से पर नियंत्रण रखिए। धर्म से जितना ज्यादा जुड़ेंगे,
जितना आप धार्मिक कार्यों में जुड़ेंगे तो ये समय उतना अच्छा निकलेगा आपके लिए। मन थोड़ा बहुत अशांत रहेगा, ज्यादा चिंता लेने की कोई बात नहीं है। अब देखिए दर्शकों, बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क वालों के लिए गोचर आपकी राशि से तृतीय भाव में होगा, थर्ड हाउस में। यहाँ पर देखिए उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है जो मार्केटिंग का काम करते हैं, टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, किसी भी तरह से कम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय बहुत शुभ है। आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बड़े लाभ होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे तो आपकी क्रोध बढ़ सकता है, थोड़ा सा कड़वा बोल सकते हैं आप। तो वाणी पर कंट्रोल करेंगे उतना ये समय आपके लिए शुभ बनेगा। इसमें झगड़े ना हो आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ, उस बात का ध्यान रखना होगा। मई जुलाई में यह स्थिति थोड़ी बढ़ सकती है, परिवार में थोड़ी अशांति रह सकती है, परंतु खुद पर नियंत्रण रख लेंगे तो यह समय शुभ बन जाएगा। केतु के उपाय करना ना भूलिए। अब देखिए दर्शकों, बात करते हैं अगली राशि सिंह की। देखिए दर्शकों, सिंह राशि वालों के लिए देखा जाए तो आपकी राशि से केतु का गोचर सेकेंड हाउस में हो रहा है, कन्या राशि में, और आपके लिए सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करना तो ये थोड़ा सा आपके अंदर जोश जुनून तो बढ़ाएगा, आपकी जो निराशा है उसको दूर करेगा, परंतु ये जोश जुनून इतना ना बढ़ जाए कि आप परिवार के सदस्यों के साथ ही लड़ाई झगड़े करें, उनके साथ वाद विवाद करें, तो वो सही नहीं है। घर परिवार में थोड़ी शांति रखें, अन्यथा कलह का कारण बन सकता है, आपके कारण, आपकी बोली के कारण, आपकी वाणी के कारण। तो खुद पर नियंत्रण रखना जरूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अच्छी चीज है, पर ईगो में वो परिवर्तन ना हो जाए उस चीज का, तो वो ध्यान रखिए आप। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए आकस्मिक धन लाभ जरूर करवाएंगे केतु, क्योंकि सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं, गुरु का भी शुभ प्रभाव है, अचानक कोई बड़ा प्रॉफिट जरूर होगा आपके काम धंधे में, तो उस हिसाब से ये गोचर अच्छा है। आपके परिवार में कोई धार्मिक अनुष्ठान आप करवा सकते हैं, कोई अच्छी पूजा या फिर कोई साधना करना चाहते हैं उसके लिए समय शुभ है, अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। अब देखिए दर्शकों, बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए देखा जाए तो आपकी राशि पर ही इसका गोचर होगा केतु का, और ये सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे। यहाँ पर मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आपके मन में विचार बहुत बदलेंगे, कभी आप कुछ सोचेंगे कभी कुछ सोचेंगे, तो थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। एक सही डायरेक्शन में चलने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस समय में, आपको एक अच्छे सलाहकार की सलाह लेने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके डिसीजन कई बार गलत हो सकते हैं। यहाँ पर घमंड से आपको भी बचना होगा, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे, तो थोड़ा सा गुस्सा आप पर हावी रहेगा, क्रोध कम करें अन्यथा दिक्कत बढ़ेगी। इसके बाद देखिए दर्शकों, ये समय विदेश यात्रा करने के लिए बहुत शुभ है। विदेश जाना चाहते हैं जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, या सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से गोचर बहुत शुभ रहेगा, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना होगा, खाने पीने का ध्यान रखिए, पेट के रोग परेशान कर सकते हैं, आंखों में दर्द होना, ये तकलीफें थोड़ी हो सकती है, तो इस मामले में सतर्क रहिए। अब देखिए बात करते हैं अगली राशि तुला की। देखिए तुला राशि वालों के लिए देखा जाए तो ये आपके ट्वेल्थ हाउस में ये गोचर हो रहा है केतु का, तो यहाँ पर आपके लिए सबसे अच्छी स्थिति बन रही है विदेश सेटलमेंट की। विदेश जाना चाहते हैं जॉब व्यापार के लिए या फिर उधर बसना ही चाहते हैं, तो उस हिसाब से भी ये गोचर अच्छा है। पहले से विदेश में रहते हैं, NRI हैं आप, तो आपको वहां पर अच्छे लाभ होंगे, इनकम सोर्स बढ़ेंगे आपके इस समय में। साथ ही साथ देखिए धार्मिक यात्राओं के लिए भी समय काफी अच्छा है ये, आप तीर्थ स्थानों की यात्रा कर सकते हैं, धार्मिक कार्यों से जुड़ सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, कोई NGO वगैरह से जुड़कर लोगों की मदद कर सकते हैं, उस हिसाब से भी ये गोचर अच्छा है। साथ में कुछ ज्ञान प्राप्त करना, कोई धार्मिक सिद्धि प्राप्त करना, मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ना, उस हिसाब से भी ये गोचर शुभ दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखिए जो नौकरी व्यापार में है उनके इनकम सोर्स बढ़ेंगे, क्योंकि 11th हाउस के लॉर्ड के नक्षत्र में है ये, तो यहाँ पर इनकम सोर्स बढ़ेंगे आपके लिए, उस हिसाब से गोचर अच्छा है। साथ ही लड़ाई झगड़ों से थोड़ा दूर रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़े व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं, उन चीजों में दूर रहिए। किसी भी व्यक्ति की गारंटी मत लीजिए या किसी की लड़ाई में आप मत पड़िए, अन्यथा दिक्कत आपके लिए बढ़ेगी फिर। इसके साथ ही साथ थोड़ा सा खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, खर्च थोड़े बढ़ सकते हैं, केतु के उपाय जरूर करिए, इससे आपको राहत मिलेगी। अब देखिए दर्शकों, बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक की, कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति बन रही है। आपके लिए देखा जाए तो केतु का गोचर होगा आपके 11th हाउस में, कन्या राशि में। यहाँ पर इनकम सोर्स काफी बढ़ेंगे आपके, ये रेंटल प्रॉपर्टीज के रूप में हो सकते हैं, या फिर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उस हिसाब से हो सकते हैं, या कोई नया इनकम सोर्स जनरेट हो सकते हैं। इनकम सोर्स अच्छे बढ़ेंगे, धन की प्राप्ति अच्छी होगी इस समय में। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए जो जॉब में है उनके प्रमोशन के योग बन रहे हैं, सरकारी नौकरी वालों को भी अच्छी स्थिति बन रही है, कार्य क्षेत्र पर सम्मानित किया जाएगा आपको और अच्छे लाभ होंगे। साथ ही साथ शेयर मार्केट में अगर काम करते हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर बड़े रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। बस आपकी कुंडली में भी देखिए शेयर मार्केट से धन आने के योग होने चाहिए, ऐसे बिना किसी ज्ञान के लापरवाही ना करें, रिस्क लेना भारी पड़ सकता है।
अन्यथा जिन्हें ज्ञान है, समझ है शेयर मार्केट की, उन वृश्चिक राशि वालों को इस समय में जरूर लाभ होगा। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर केतु के उपाय जरूर करिए। अगर आपकी कुंडली में केतु कमजोर है तो कुत्तों की सेवा करिए, इससे लाभ जरूर मिलेगा। अब दर्शकों बात करते हैं अगली राशि धनु की। धनु राशि वालों के लिए देखा जाए तो आपका भाग्य पूरा साथ देगा आपका। इस समय में आप नए आइडियाज लगाएंगे, कुछ ना कुछ नया करेंगे अपने काम धंधे में। इससे आपके कार्य क्षेत्र में आप प्रोग्रेस करते हुए दिखाई देंगे, अच्छे प्रॉफिट होने वाले हैं आपको कार्य क्षेत्र में। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए आपके 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं सूर्य, उनके नक्षत्र में केतु रहेंगे तो धार्मिक यात्राएं आपकी भी हो सकती है। आप भी धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, कुछ ना कुछ आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ेंगे, उस हिसाब से ये गोचर अच्छा है। साथ ही साथ यहाँ पर कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा बूस्ट आएगा, अचानक कोई बड़ा ग्रोथ आपके सामने आएगा, चाहे वो जॉब में प्रमोशन होना हो, व्यापार में कोई बड़ा प्रॉफिट होना हो, इस हिसाब से ये गोचर शुभ बन रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए एक चीज का विशेष ध्यान रखना होगा आपको कि पेट के रोग थोड़े परेशान कर सकते हैं। माता जी की सेहत का भी ध्यान रखना होगा, आपकी सेहत का भी ध्यान रखिए और माँ की सेहत का भी विशेष ध्यान रखना जरूरी है। इस हिसाब से थोड़ी सावधानी रखनी है, अदरवाइज ये गोचर बहुत शुभ दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखिए दर्शकों बात करते हैं मकर राशि की, कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति बन रही है। मकर वालों के लिए देखा जाए तो केतु का गोचर आपके 9th हाउस से हो रहा है कन्या राशि में, तो यहां पर जब वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो अचानक बड़ा लाभ होगा। अष्टम भाव के नक्षत्र में आएंगे तो यहाँ पर आपको आकस्मिक धन लाभ होना निश्चित है, बड़ा प्रॉफिट होगा इस समय में। साथ ही साथ धार्मिक स्थिति आपकी भी अच्छी दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, कोई स्पिरिचुअलिटी में कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उस हिसाब से अच्छा है। ओकल्ट साइंस में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, उस हिसाब से भी ये गोचर अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर देखिए संतान से आपके विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। संतान से थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है, आप उनको डांटेंगे या कंट्रोल करना चाहेंगे तो आपके बीच में थोड़ी दूरियां आ सकती है, इस मामले में थोड़ा ध्यान रखना है। काम धंधे के हिसाब से अच्छा है, धार्मिक यात्राओं के हिसाब से गोचर अच्छा है, प्रॉफिट आपको अच्छे होंगे। इसके बाद देखिए बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए देखा जाए तो आपके अष्टम भाव में गोचर हो रहा है, यहाँ पर थोड़े लाभ भी हैं, थोड़ी सावधानियां भी है। देखिए एक सबसे बड़े पहले तो आपको सावधानियां बताते हैं, यहाँ पर वाद विवाद आपके ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। लाइफ पार्टनर के साथ झगड़े हो सकते हैं, उनका क्रोध थोड़ा हावी रहेगा तो उनके साथ थोड़ा तालमेल बिठा कर चले आप। इसके साथ ही साथ उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना जरूरी है आपको, कोई भी बड़ा रिस्क ना लें इस समय में। देखिए यहाँ पर अचानक आपको लाभ तो होंगे, अष्टम भाव में ये गोचर है तो लाभ तो केतु करवाता है, परंतु यहाँ पर बड़ा रिस्क लेना आप पर भारी पड़ सकता है, तो सोच समझ के कोई डिसीजन लीजिए। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, ये सब सोच समझ के करिए, अन्यथा फिर दिक्कतें बढ़ सकती है आपके लिए। इसके साथ ही देखिए विदेश यात्रा के लिए समय शुभ है, कुछ ना कुछ सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है, कोई नया ज्ञान सीखना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं किसी चीज की, उस हिसाब से गोचर अच्छा है। रिसर्च फील्ड में पहले से जुड़े हैं तो आपको बड़े लाभ अवश्य होंगे। साथ ही साथ कुछ ना कुछ देखिए ऐसी स्थिति बनेगी जिससे आपका ओकल्ट साइंस की ओर ध्यान जाएगा, धर्म की ओर ध्यान जाएगा, मोक्ष प्राप्ति की ओर ध्यान जाएगा, उस हिसाब से गोचर अच्छा दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए देखा जाए तो आपके लिए गोचर होगा आपके सप्तम भाव में कन्या राशि में। यहाँ पर लाइफ पार्टनर के मूड स्विंग्स काफी ज्यादा होंगे, उनके साथ थोड़े से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वो कुछ कहेंगे आप कुछ कहेंगे, ऐसी दिक्कतें आएगी, पर थोड़ा तालमेल बनाकर चलिए, अन्यथा फिर दिक्कत बढ़ सकती है आपके बीच में। इसके साथ ही साथ यहाँ पर देखिए उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा आपको, उनकी हेल्थ प्रभावित हो सकती है। इसके बाद बिजनेस करते हैं आप, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो पार्टनर के साथ थोड़े मतभेद होंगे, उनको टालने का ही प्रयास करिए, अन्यथा व्यापार में फिर परेशानी होगी। इसके बाद देखिए ट्रेवल ज़्यादा होगी इस समय में, यात्राएं ज़्यादा होगी, चाहे वो आपके काम धंधे के हिसाब से हो या छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़े, ऐसी स्थिति बनेगी। आपके लिए थोड़ा सावधानी रहने का ये समय रहेगा। केतु के उपाय जरूर करने चाहिए आपको, कुत्तों की सेवा जरूर करनी चाहिए, इससे आपके लिए लाभ के रास्ते खुलेंगे। इसके बाद देखिए दर्शकों इस प्रकार से स्थिति बन रही है केतु के नक्षत्र परिवर्तन की, सभी 12 राशियों की, जिसमें हमने सभी के लिए बात की। यहाँ पर देखिए केतु का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करना कुछ मामलों में भाग्यशाली भी बना रहा है सभी राशियों को, कहाँ पर सावधानी रहना भी जरूरी है क्योंकि दोनों ही मिश्रित परिणाम है, केतु का गोचर मिश्रित परिणाम ही देता है, तो इसमें आपको सचेत रहना भी जरूरी है। और जहाँ पर लाभ के रास्ते बनते हैं तो लाभ भी उठाइए उस समय का, और जहाँ पर आपको केतु से जन्य कोई पीड़ा मिल रही है, परेशानी मिल रही है, तो सबसे बेस्ट उपाय इसका यह है कि कुत्तों की सेवा करिए, स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। गरीब लोगों को देखिए कंबल बांटिए, ब्लैक एंड व्हाइट कलर के कंबल बांटिए, इससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपके पुण्यों में वृद्धि होगी और आपको केतु परेशान नहीं करेंगे। तो ये उपाय जरूर करिए, ये उपाय सभी राशि वाले कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है।
आज के लिए इतने ही दर्शकों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। हमसे आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं दर्शकों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।